अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे, अवैध निर्माण को लेकर लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वहीं अब बाबा का बुलडोजर अपराधियों, गैंगस्टर की जमीन, अवैध संपत्ति पर ही नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर भी कब्जा किए लोगों पर चलना शुरू हो गया है। यहां तक कि अब तो शहरों, गांवों में बुलडोजर गलियों में हुए अवैध निर्माण पर भी चलने लगा है। इसका जीता जागता सबूत देखने को मिला। औरैया जिले में जहां सरकारी जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिस पर शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद भी जब निर्माण कार्य नहीं रुका, तब नगर पंचायत की टीम ने हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया और सरकारी जमीन को खाली कराया गया। यूं तो पीला पंजा इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाए हुए है। जहां एक ओर अब पहले अवैध बिल्डिंगों पर पीला पंजा चलता नजर आ रहा था, वहीं अब शासन के आदेश पर जिले का प्रशासन सख्ती से नजर आ रहा है। यहां एक के बाद एक सरकारी जमीनों पर किए कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिली औरैया जनपद के बिदुना थाना क्षेत्र में, जहाँ बिदुना के जवाहर नगर में राजेश यादव नाम के एक युवक द्वारा गली में सरकारी खाली जमीन पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। जब इस बात की शिकायत अधिकारियों को तहसील में की गई, तो अधिकारियों ने कब्जा कर रहे राजेश यादव को नोटिस दिया, लेकिन इसके बावजूद भी नोटिस मिलने के बाद मंदिर का निर्माण चालू रहा, जिसको लेकर फिर से शिकायतकर्ताओं ने बिदुना नगर पंचायत में शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने सख्त होकर बुलडोजर के साथ गली में पहुंचे और गली में हो रहे मंदिर के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। यह पहली कार्यवाही नहीं जहां सरकारी जमीन को बुलडोजर से खाली कराया गया है। आपको बता लगातार बीजेपी की 2.0 सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और अवैध निर्माण, सरकारी जमीनों पर किए कब्जे को मुक्त करा रहे हैं, जिससे कुछ लोग खुद ही सरकारी जमीन को कब्जे को छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, जिससे कुछ लोग खुद ही सरकारी जमीन को छोड़ रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काट रहे हैं। लेकिन जब शासन मजबूत हो तो प्रशासन अपने आप मजबूत दिखने लगता है, जिसकी तस्वीरें, खबरें हर दिन सुनने और देखने को मिल रही हैं। जहां एक के बाद एक सरकारी जमीनों को, गांव देहातों की जमीनों पर कब्जा किए लोगों को खाली कराने में प्रशासन जी जान से लगा हुआ है और सरकारी विकास कार्यों में बाधा डालने वाली जमीनों को खाली कराकर उन पर विकास कार्यों को कराया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बिदुना आदिशासी अभियंता ने बताया कि तहसील दिवस पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, ये किस तरीके से एक सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पंचायत की टीम ने एक नोटिस भी दिया था कि जगह को खाली करा दिया जाए, कोई भी निर्माण कार्य ना कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य लगातार हो रहा है, जिसको लेकर नगर पंचायत की टीम के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गली में हो रहे अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से हटाया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। आज जो है अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, अवैध और किस तरीके से है, क्या है? देखिए, इस संबंध में जो है तहसील दिवस में शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत में दो जगहों पर अतिक्रमण पाया गया है, जिनको जो है इसके पहले जो है यहाँ से हमारे कार्यालय से पत्र जारी किया गया था उनको अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस संदर्भ में आज जो है पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये अतिक्रमण हटाया गया।